हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सनराइज़ होने के 2 मिनट पहले हम सन को देख सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह सनसेट के टाइम पर सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं, है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग दोस्तों, आज इसी चीज़ को समझते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। इससे पहले हम हॉरिजन को समझ लेते हैं कि हॉरिजन क्या होता है। जहाँ पर अर्थ का सरफेस और स्काई मीट करते हुए दिखते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजन। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगर हम अर्थ के सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो यही है हॉरिजन। आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि सनराइज हमको 2 मिनट पहले कैसे दिख जाता है। देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर सन की एक्चुअल पोजिशन हॉरिजन से कुछ नीचे है। हम उसी चीज़ को देख सकते हैं जो हॉरिजन के ऊपर हो, उसी की लाइट हम तक पहुँच सकती है। तो दिन दोस्तों तभी होता है, डे टाइम तभी होता है जब सन हॉरिजन से ऊपर हो, और दोस्तों रात जब सन हॉरिजन के नीचे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हॉरिजन से नीचे है सन, लेकिन फिर भी हमें सन दिखेगा। इसका रीज़न देखिए, जब सन की लाइट एटमॉस्फेरिक लेयर से पास होगी, तो दोस्तों जैसा हमने बताया था कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनकी डेंसिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। अब उनकी डेंसिटीज़ अलग होती हैं तो वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती हैं, क्योंकि इस लाइट की स्पीड जो कि वैक्यूम से एयर में आ रही है तो वो कम हो जाएगी, इसलिए ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये बेंड होके हमारी आईज तक पहुँच चुकी है, और दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको सन की पोजिशन कुछ ऊपर दिखाई देगी, जिसे कहते हैं हम अपेरेंट पोजिशन। कि हमने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन होती है, उससे थोड़ी सी ऊपर हमको पोजीशन दिखती है, तब हम सनराइज होने के 2 मिनट पहले सन देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर हम सनसेट की बात करें, तो जैसा कि सनराइज ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है, तो देखिए सनसेट के टाइम पर क्या होता है, सन हॉरिजन के नीचे पहुँच चुका है, मतलब असलियत में सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम सन को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सन से रे आ रही है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर से रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक सनसेट देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हम सन को देख सकते हैं, और एक्चुअल सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि हमारे जो दिन की लेंथ है वो टोटल लेंथ 4 मिनट से बढ़ गई। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि जैसे सनराइज होता है तो हमको वहाँ पर पूरा सन नहीं दिखता है, या फिर सनसेट हो रहा होता है वो हमें एक डिस्क की तरह दिखती है। इसका रीज़न भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।